दोस्तों, जैसे कि लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने के जान लिया कि बिज़नेस का ऑनलाइन लाना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, जहां आप ग्रॉसरी की बिज़नेस के बारे में जान रहे थे या फिर जहां आप ई कॉमर्स के बिज़नेस के बारे में जान रहे थे, आज मैं वहीं के आपको ये बताने वाला हूं कि रियल इस्टेट के अकॉर्डिंग अगर आप रियल इस्टेट के टाइप ऑनलाइन लाना चाह रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में हर चीज़ ऑनलाइन हो चुका है, इसलिए कि आप इंडिया में बैठ के दुबई, कतर, सऊदी, लबनान या फिर जो बाहर कंट्री में वहाँ पर भी अगर आप रियल इस्टेट में डील करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे हमने एक खूबसूरत सा रियल इस्टेट का एक प्लेटफॉर्म लेकर आया है जो मल्टी वेंडर के अकॉर्डिंग है। एक साथ कई एक लोग जो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं मल्टी वेंडर के अकॉर्डिंग। तो ये रियल इस्टेट की बहुत अच्छी वेबसाइट्स है। आपको यहाँ पे आपको एक एक करके मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस किस तरीके से ये काम करता है, नहीं करता है, ये कौन कौन से फीचर्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको वन बाय वन करके बताऊंगा। जी हाँ, अगर आप इस दौरान भी आप चाहते हैं कि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करें तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें ए टू जेड अवेलेबल है। ठीक, अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए, पहले पाइए का हिस्सा बनिए। ये आपका एक होम पेज है कि अभी आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका ये प्रोजेक्ट पेज है। ये प्रोजेक्ट पेज है, मैं आपको सिर्फ अभी सैंपल्स दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें ए टू जेड बताऊंगा। यहाँ ब्यूटीफुल का सर्च बार है कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा सर्च बार है। अगर आप होम पेज की बात कर ले तो होम पेज में सर्च बार आपको यहाँ पे दिखेगा प्रोजेक्ट, सेल, रेंट। आप तीन टाइप के अगर चीज़ें कर सकते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट हो या कोई कोई सेल सेल के लिए प्रोजेक्ट हो या फिर रेंट के लिए प्रोजेक्ट हो, तीनों तरह के चीज़ें की जा सकती है। यहाँ पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें सर्च कर सकते हैं, सिटी वाइज सर्च कर सकते हैं। साथ साथ इसमें एडवांस कुछ फीचर्स हैं कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट ऐसा चाहिए जो आप उसमें कुछ लिमिटेड टाइम तक, लिमिटेड पीरियड तक, या फिर आपको उनमें से जो भी प्रोजेक्ट चाहिए, एक रूम का, दो रूम का, तीन रूम का, चार रूम का, जिस टाइप से भी आपको प्रोजेक्ट चाहिए उस हिसाब से आप बेडरूम सेलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको बेडरूम को सिलेक्ट करने का मिल जाएगा। रेंट के पर्पज से जाएंगे तो आपको बेडरूम सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा, एक रूम, दो रूम, तीन रूम, जो भी चाहिए आपको, कौन से फ्लोर में चाहिए, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में, जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। इस तरह से अगर आप सेल की बात करें तो सेल में भी इसी तरह का सिस्टम आएगा, सेल में बेडरूम का सिस्टम आएगा, फ्लोर का सिस्टम आएगा। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट में यहाँ पे आपको डिफरेंट मिलेगा, एडवांस सर्चेज में आपको डिफरेंट मिलेगा। यानी अगर सर्च आप चाहें तो बाय सिटी भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपका बाय लोकेशन भी, स्टेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन आप जब प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पे कैटेगरी मिलेगा, किस डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं आप, हाउस की, लैंडिंग की, या फिर वेला की, या फिर अपार्टमेंट की, या फिर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो वो चीज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज के सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से उसके प्राइस कहाँ से कहाँ तक की होनी चाहिए, जो भी आपका अपने के रेंज है उस रेंज के अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने रेंज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये प्रोजेक्ट, ये ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है, आपको जो मिलेगा फ्यूचर प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप फ्यूचर प्रोडक्ट में दिखाना चाहते हैं, यानी उनको हाईलाइटेड करना चाहते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है आप लोकेशन वाइज दिखा सकते हैं, आप मल्टी लोकेशन आप यूज कर सकते हैं, चाहे आपका कर्म में के इंडिया हो, आउट ऑफ इंडिया हो, या यूएई हो, दुबई हो, कतर हो, कहाँ कहीं कभी आप इसको सिटी वाइज या कंट्री वाइज आप अपना लोकेशन दिखा सकते हैं और उसी लोकेशन के अकॉर्डिंग आप अपना प्रोजेक्ट भी दिखा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। या जैसे कि अगर आप स्टेट वाइज भी अगर आप करना चाह रहे हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, या इस तरह से आप अपने कंट्री के अकॉर्डिंग, जैसे जो भी आपके कंट्री हैं, दुबई हैं, कतर हैं, सऊदी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अरेबिक में आप बनाना चाहें, इंग्लिश में बनाना चाहें, हर लैंग्वेज में ये पॉसिबल है, हर करेंसी में पॉसिबल। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा किस किस तरीके से सारी चीज़ें पॉसिबल है। इसमें आपको पेमेंट सिस्टम भी आपको इसमें के मिलेगा, मैं आपको सारी चीज़ें ओवरव्यू में दूंगा। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज फॉर सेल, अगर आप कोई सेल के लिए प्रॉपर्टीज आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं अभी डॉलर का सिस्टम दिया हुआ क्योंकि ये बाहर के अकॉर्डिंग किया हुआ है, तो आप अपने चाहे रुपीज में करना चाहें, यूएई में करना चाहें, या दिनार में करना चाहें, जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं। आपके ऊपर के
डिपेंड करता है आप किस लैंग्वेज में और कहाँ के लिए करना चाह रहे हैं। अगर आप मल्टी लैंग्वेज मल्टी करेंसी भी करना चाह रहे हैं तो भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरह से अगर क्या ये प्रॉपर्टीज फॉर रेंट के लिए इस तरह से आ जाएगा होम पेज में। और अगर बाकी सारी चीज़ों को अलग अलग देखना हो, यहाँ पे आप न्यूज़ या कोई आप न्यूज़ डालना चाह रहे हैं किसी के नए ऑफर्स के बारे में या फिर नए चीज़ों के बारे में, तो आप न्यूज़ अगर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एक ब्यूटीफुल सा आपको यहाँ पे आपको फुटर मिल जाएगा, तो इस तरह से कि ये आपका होम पेज रहेगा। और अगर बात कर लेते हैं अगर आप प्रोजेक्ट पेज की कि प्रोजेक्ट पेज किस तरह से दिखेगा, जो कैटेगरी का जो पेज होगा वो किस तरह से दिखेगा, इस टाइप से आपका कैटेगरी का पेज दिखेगा। बड़ा खूबसूरत सा प्रोजेक्ट पेज है, आप इसमें अपना सिटी वाइज स्टेट वाइज अपने कैटेगरी वाइज इन सारे चीज़ों के अकॉर्डिंग आप इसमें आराम से सर्च कर सकते हैं। ब्लॉक वन ब्लॉक टू ये सारे चीज़ों के अकॉर्डिंग भी आप आराम से सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें तो प्रॉपर्टीज़ में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो इसमें चाहे रेंट के लिए हो चाहे आपके सेल के लिए हो, वो सब प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा दिखेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका करियर का पेज है, कॉन्टेक्ट का पेज, ये सारे पेजेस हैं। यहाँ पे आप करेंसी का अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, जैसा जो भी करेंसी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ मल्टी करेंसी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें के ऊपर जो है कि आपको सोशल मीडिया पेजेस हैं, क्या आपको फेसबुक ट्विटर वगैरह के सारे पेजेस हैं। इसके बाद यहाँ पे ये अभी जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये वेंडर सिस्टम भी है, तो इन सारी चीज़ों को देखने से पहले मैं वेंडर सिस्टम एडमिन सिस्टम ये चीज़ें देखने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि इसके फीचर्स क्या हैं। ये जो रियल के जो मल्टी वेंडर के जो वेबसाइट हैं इसके फीचर्स क्या हैं, इसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, तो अब हम आ जाते हैं कि इसके फीचर्स के बारे में, इसके जो मेन मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। मेन मेन फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। यहाँ पे आपको कुछ पेजेस मिल जाएंगे, ब्लॉग मिलेगा आपको, मेन्यू मिलेगा, कॉन्टैक्ट का पेजेस मिलेगा, रियल स्टेट के मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग मिलेगा यहाँ पे चीज़ें। उसके बाद मॉड्यूल्स आर प्रोवाइडेड विद द यूज फॉर द कंपोनेंट ऑफ द अवॉइडेड, तो यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स वगैरह हैं, उस मॉड्यूल्स को जो कोड के अकॉर्डिंग उसको यूज़ किया गया है। इस तरह से आपका एजेंसी पैनल मिलेगा, जिस एजेंसी पैनल में आप क्रेडिट कर सकते हैं तो क्या आपको कितना क्रेडिट करना है नहीं करना, यानी ये वेंडर सिस्टम है। वेंडर सिस्टम के मतलब ये हो गया जैसे कि आप वेंडर का लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर आपको वेंडर सिस्टम मिल जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना क्रेडिट ऐड कर सकते हैं, चाहे 5 पोस्ट 10 पोस्ट 20 पोस्ट इस तरह के लिए, ये आपका वेंडर सिस्टम रहेगा। कोई भी बंदा अगर आप इसमें पोस्ट करना चाहता है तो वो क्रेडिट पे करेगा, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्री पोस्ट आपको यहाँ पे फ्री पोस्ट में एक एक दो पोस्ट आपको करने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप फ्री पोस्ट करेंगे तो आपको सिर्फ सैंपल पोस्ट करने के लिए मिलेगा। इस तरह से अगर सिंगल पोस्ट अगर आप करना चाहते हैं, मल्टीपल 5 पोस्ट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप क्रेडिट बाय कर सकते हैं, या एडमिन जो है इस तरह से क्रेडिट देगा। अगर एक पोस्ट करेंगे $250 का यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, तो ये परचेज कर सकता है कोई भी बंदा। और पांच पोस्ट अगर करता है तो वो पर पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है $200 के अकॉर्डिंग करेगा, तो ये जैसा चाहेंगे वो इस हिसाब से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने हिसाब से जैसे जिस तरह से सेट करना चाहेंगे एडमिन, उस तरह से सेट किया जा सकता है। तो ये वो क्रेडिट है जिसके क्रेडिट के अकॉर्डिंग अपना वेंडर जो है वो पोस्ट कर सकता है। इस तरह से सुपर पेमेंट का आपको जो पेमेंट रहेगा, पेमेंट की जो सपोर्ट रहेगा, वो आप पेपाल से कर सकते हैं, स्ट्राइप से कर सकते हैं, स्ट्राइप एंड पेपाल से बाय क्रेडिट वगैरह की जा सकती हैं। वो सब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो सपोर्ट रहेगा वो अमेज़न का सर्वर रहेगा, अमेज़न के सर्वर के साथ आप इसमें ये कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा पावरफुल इसके अंदर मीडिया सिस्टम है, वो मीडिया सिस्टम में आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं किस तरीके से मीडिया सिस्टम प्रैक्टिकल काम करता है। इसके अलावा SEO का एंड साइट मैप का सपोर्ट रहेगा, इसमें साइट मैप XML की भी चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा कि यहाँ पे रिसेटफुल का API की अगर ये PHP लारावेल का जो सपोर्ट का रिसेट की है वो की भी का आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये डेवलपिंग का प्रोसेस है। इसके अलावा मल्टी लैंग्वेज है, आपको कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहें, मल्टी के लैंग्वेज अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ द लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है जिस भी कंट्री में है उस कंट्री के अकॉर्डिंग आप अपने लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स इसमें लगा हुआ है, कितना ट्रैफिक है नहीं है, एडमिन के थ्रू कितना आ रहा है, डेटा कितना उसका सबमिट हो रहा है, सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं। मल्टी के ट्रांसलेटर, मल्टी के यहाँ पे ट्रांसलेशन टूल भी है, कोई भी किसी भी लैंग्वेज अगर ट्रांसलेट करना चाहता है तो वो आप ट्रांसलेट करके देख सकता है। ब्यूटीफुल ये थीम के है जो देखने में बड़ा अच्छा लगता है। इसका पावरफुल परमिशन सिस्टम के मैनेजर का
यूजर, टीम, रोल, परमिशन। यहाँ पे आपको मल्टी यूजर का रोल मिल जाएगा, कोई किसी को आप मैनेजर बना सकते हैं, किसी को टीम बना सकते हैं, किसी को आप जो है वेंडर बना सकते हैं, इस तरह के चीज़ों का आपको सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। एडमिन का ये टैम्पलेट कम्स विद कलर्स, मल्टी कलर्स के अकॉर्डिंग आपका एडमिन जो है अपना टैम्पलेट यूज कर सकता है। ये आपका फुल्ली रिस्पॉन्सिव होगा, या फुल्ली रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि वो जिस भी शक्ल में हो, जैसा भी हो, चाहे मोबाइल में देख रहा हो या फिर आपका टैब में देख रहा हो, तो वो टैब के अकॉर्डिंग वो चीज़ें ढल जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग दिखाएंगे। ये आपको देखेंगे, ये आपको ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, इस तरह से ये आपको फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। ये आप मोबाइल में देखें तो मोबाइल में इस तरह से दिखेगा, और अगर टैब में देखेंगे टैब में आपको उस टाइप से दिखेगा, ठीक है। तो लैपटॉप में आपको इस टाइप से दिखेगा, तो ये आपका फुल्ली रिस्पॉन्सिव होता है। हाँ, इसके अलावा कि आपको यहाँ पे कोडिंग स्टैंडर्ड का ऑल कोडर कर यहाँ पे कोड बेस पे बनाया गया, ये कोड जो है कि पीएचपी लारावेल का कोड है, उस कोड के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इसके बेसिक की बात कर ले तो आपको यहाँ पे देखेंगे ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है, इस हिसाब से है कि लैपटॉप में देखें तो लैपटॉप का आकार का ढल जाएगा, डेस्कटॉप पर डेस्कटॉप का आकार का, टैब में टैब का, और मोबाइल में मोबाइल का आकार का। इसमें पेमेंट की बात कर लें तो अगर आप पेमेंट सिस्टम सेट करना चाह रहे हैं तो बहुत सारे कई चीज़ों के पेमेंट का ऑप्शंस मिल जाएगा आपको। इसमें के वेरिएशन का जो पॉपुलर पेमेंट है वो पेपाल है, स्ट्राइप है, रजोर पे है, और पे स्टैक के नाम से है, और बैंक ट्रांसफर भी है, इसके साथ साथ सीओडी वगैरह के भी सिस्टम इसमें अवेलेबल है। तो कुल 6 पेमेंट सिस्टम इसमें का आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको आराम से ये चीज़ें ईजिली आप इसको कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें का पॉसिबल है पेमेंट अगर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये रही पेमेंट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि एडमिन के बारे में, कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि वेंडर का किस तरह से रहेगा, बिल्कुल सिंपल ऑप्शन से वो अपने क्रेडिट बाय करेगा, बाय करके अपना पोस्ट वगैरह कर सकता है, वो अपने पोस्ट जो है अप्रूवल कितना हुआ नहीं हुआ, यानी एडमिन की तरफ से कितना पोस्ट अप्रूवल हुआ है नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती है। अगर रिजेक्ट कर देते तो रिजेक्ट क्यों हुआ नहीं हुआ उसके बारे में की जा सकती है। इसके अगर कोई प्रॉपर्टी के बारे में वो लिखना चाह रहे हैं वो अपने प्रॉपर्टी के बारे में भी लिख सकता है, वेंडर किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी के बारे में लिख सकता है, बता सकता है जो किस किस टाइप से ये आपका यहाँ पर मिलेगा सारी चीज़ें वेंडर के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम एडमिन की, एडमिन को किस तरीके से मिलेगा। जैसे कि आप होम पेज की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको वेंडर यहाँ पे लॉगिन लॉगआउट कर देता हूँ। हाँ, कोई बंदा अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड करना चाह रहा है तो सिंपल है कि वो अपना क्या करेगा, लॉगिन करेगा, लॉगिन करके वो प्रॉपर्टी ऐड कर सकता है। अगर लॉगिन नहीं है तो वो रजिस्टर्ड करेगा, पहले रजिस्टर्ड करने के बाद फिर वो अपना प्रॉपर्टी ऐड कर सकता है। तो चलिए हम इसको एक बार हम इसको टेस्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। तो ये मैंने कि यहाँ पे रजिस्टर कर दिया, रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे देखे देख सकते हैं ये आपका एज ए वेंडर सिस्टम यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी पोस्ट अगर हमें सबमिट करना हो तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे रिक्वेस्ट, यानी कि हमारे पास अभी कोई क्रेडिट नहीं है तो पहले हमें क्रेडिट बाय करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम फ्री परचेज क्रेडिट करें, यहाँ पे ये कैश ऑन डिलीवरी या बैंक ट्रांसफ़र जो भी आप करना चाह रहे हैं, तो कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम हम कर देते हैं, यानी आप एडमिन को दे देंगे तो एडमिन जो है कब वो आपका इसमें सिस्टम में ऐड कर देगा। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अभी दो लैंग्वेज यूज़ किया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी का, इसमें जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, एडमिन में कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कि आप इस आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेजेस अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, कि यहाँ पे अभी सेट किया हुआ नहीं है इसलिए दो लैंग्वेज में दिखा नहीं रहा, कि अगर आप सेट करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो खैर ये तो एक बात है इसकी कि वेंडर की, जो वेंडर में आपको किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं आराम से इजीली। हाँ, लेकिन जो उसमें जिसमें क्रेडिट हैं ऑलरेडी, हम मैं वो क्रेडिट का दिखा देता हूँ कि जो क्रेडिट होते हैं उसमें आपको किस तरीके से दिखेगा। तो ये मेरे पास ऑलरेडी हैं जिसमें कि इसमें क्रेडिट हैं, आप इसमें का पोस्ट देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो मैं ऐड पोस्ट पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ लॉग इन।
जी हाँ, ये मैंने लॉग इन कर लिया। अब यहाँ पे कितने पोस्ट इसमें के डाला गया है, अप्रूवल है नहीं है, वो इसमें देखा जा सकता है। हाँ, यहाँ पे कोई भी आप पोस्ट ऐड करना चाह रहे हैं तो पोस्ट ऐड करने के लिए बड़े सिंपल ऑप्शंस हैं। सबसे पहले टाइटल डालना पड़ेगा, उसके बाद ये किस टाइप की हैं, प्रोजेक्ट हैं, सेल के लिए हैं, रेंट के लिए हैं, जो भी टाइप के प्रोजेक्ट हैं वो आप इसमें चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इसमें कंटेंट के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद उसमें के जो भी इमेजेस हैं, तीन चार इमेजेस, वो आप इमेजेस यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप सिटीज, कौन से सिटीज में आप इसमें करना चाह रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं, वो सिटीज आप लोकेशन चूज करेंगे। यहाँ प्रॉपर आप अपने मेन लोकेशन देंगे। इसके बाद ये आपका आपका कितने बेड्स हैं, कितने नंबर्स ऑफ द बेड बाथरूम कितने हैं, आपका नंबर्स ऑफ द फ्लोर कौन से फ्लोर पे हैं, कितने स्क्वायर फिट में है, इसका प्राइस क्या है, कौन से करेंसी किस में है, आपका डॉलर में है किस में है, वो सारे इसे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक रिन्यू रखेंगे क्योंकि ये 45 डेज का रहता है। 45 डेज के बाद अगर ऑटोमेटिक रिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। 45 डेज तक का आपका ये पोस्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप इसको डिस्टेंस बाय बिटवीन फैसिलिटी, अगर कोई फैसिलिटी है आपके पास तो आप इसमें डिस्टेंस कर सकते हैं, यानी हॉस्पिटल कितने किलोमीटर दूर है आपके लैंड के पास, या फिर इस तरह से आपके क्या नाम स्कूल्स कितने हैं, सुपरमार्केट कितने दूरी में है, कितने किलोमीटर में, इंटरटेनमेंट के लिए कितने दूरी में, फार्मेसी कितने में, एयरपोर्ट कितने दूरी में, रेलवे कितने दूरी में, बस स्टॉप कितने दूरी में है, बीच कितने दूरी में है, मेल का ना मॉल वगैरह है, बैंक है कितने दूरी में है, तो आप डिस्टेंस वगैरह इसमें मैनेज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो रेंट लेगा तो प्रॉपर्टी रेंट लेगा या फिर सेल करना चाह रहा है तो उसके लिए आसानी हो जाएगी कि उनके आसपास में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक नेसेसरी चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, फैसिलिटी की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा फीचर्स क्या हैं, क्या उसमें रेंट में वाईफाई है नहीं है, पूलिंग स्विमिंग पूल है, इस तरह से बालकनी वगैरह है नहीं है, इस तरह ट्रैक्स वगैरह की, पार्किंग की बात है, गार्डन है, सिक्योरिटी वगैरह, फिटनेस सेंटर, ये सारी चीज़ें, ये सारे फीचर्स वगैरह में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसमें SEO वगैरह आप करना चाहें आप आराम से SEO का कर सकते हैं। यहाँ पे SEO का टाइटल डालेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन डालेंगे तो बिल्कुल ईजी ऑप्शन है और बिल्कुल क्लियर कट है कि जो भी चीज़ें आपको प्रॉपर्टीज में चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है, ठीक है। ये तो रही बात ये वेंडर का सिस्टम की, जो लॉग इन एज ए कस्टमर का अगर करना चाहता है, वेंडर डालना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या सारे चीज़ आपको देखने को मिल गया। यहाँ पे आप यह देख सकते हैं स्टेटस वगैरह क्या कैटेगरी कितने कौन सी कैटेगरीज वगैरह वो आप मैनेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट किस टाइप की है नहीं है वो चीज़ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या प्रोजेक्ट टाइप कहाँ से क्या है नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करके आप इसको लैंग्वेज इसमें क्या पब्लिश कर सकते हैं, फिर ये चला जाएगा अप्रूवल के लिए एडमिन के पास, फिर एडमिन फिर वहां से अप्रूवल दे देगा, ठीक है। तो ये तो रही बात किसकी कि आपको वेंडर का सिस्टम की, जो ये वेंडर सिस्टम में कैसे काम करेगा। अब अगर हम बात कर लें कि इसका जो एडमिन पैनल है वो एडमिन पैनल किस तरीके से काम करेगा, तो सिंपल ऑप्शन है, ज्यादा कोई मगजमारी नहीं है। आप डोमेन के आगे लिखिए /admin, आपको यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा। उसके बाद आपने यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद सेम इस तरह का आपको ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ब्यूटीफुल सा डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग आप ये जान सकते हैं कि कितने आपके वेबसाइट में पेजेस हैं, कितने वेंडर्स हैं, कितने यूजर्स हैं, कितने लोगों ने एक्टिविटीज की है अभी रिसेंटली, कितने पोस्ट हुए हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कितने यूजर्स वगैरह हैं। अभी मैं ये फिलहाल मैं ही यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए 1 यूज़र अभी दिखा रहा है। यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स कभी का ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। तो ये आपका ब्यूटीफुल सा एक डैशबोर्ड है आज, इसमें आपको सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे टॉप रेफरल कितने हैं, वो रेफरल भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप या टॉप ब्राउज़र के कौन कौन से ब्राउज़र आपको सपोर्ट करेगा, जैसे क्रोम है, आपका फायरफॉक्स है, सारी चीज़ें ब्राउज़र आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा। इसका टॉप मोस्ट विजिटर पेज जो कौन कौन से पेजेस जो सबसे ज्यादा विजिट किए गए हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर बात कर लें कि पेजेस वगैरह के, पेजेस आप अपने हिसाब से जो भी पेजेस आप ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। कुछ भी पेज आप ऐड करना चाह रहे हैं या फिर कुछ एडिट करना चाह रहे हैं, घटाना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, वो अपने हिसाब से उसका ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल ब्लॉगिंग का सिस्टम दिया गया, आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, टैग वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी ऑप्शन बना सकते हैं। लोकेशन अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं, कितने लोकेशन पर चाहिए आपको, नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको मैनेज कर आराम से मैनेज करने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा रियल इस्टेट में कौन कौन सी चीज़ें हैं नहीं है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, किस तरह से कॉन्टैक्ट
कंसल्टेंट कितने हैं वो मैनेज कर सकते हैं, अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, पैकेजेस मैनेज कर सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया पैकेज वेंडर के लिए, कॉन्टैक्ट का पेज है, पेमेंट सिस्टम है इस तरह से मीडिया का है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ ये मल्टी लैंग्वेजेस हैं, ट्रांसलेशंस हैं, ये प्लेटफॉर्म्स के एडमिनिस्ट्रेटर प्लेटफॉर्म से किसको किस कौन सा रोल देना है, इस तरह के बहुत सारी की ब्यूटीफुल चीज़ें हैं आज जो आपको देखने को मिला है। मे बी मुझे समझ मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें अगर इसमें रह जाती हैं तो आप हमसे बिल्कुल कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह की अगर आपको खूबसूरत सा रियल इस्टेट की अगर आपको वेबसाइट बनानी हो या बनवाना चाहते हैं तो आप ईजिली बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। यहाँ इसमें कोई अपना कस्टमाइजेशन करना चाह रहे हैं, कोई अपने चेंजेस करना चाह रहे हैं तो वो आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंजेस हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है जैसा चेंजेस करना चाहें। लेकिन ये चीज़ें ऑलरेडी के इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इसमें मेरे ख्याल चेंजेस करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कोई चीज़ में चेंजेस करना चाहते हैं या आप में से कोई भी चाहते हैं इसमें कुछ चेंजेस करें तो आप आराम से इसमें अपने चेंजेस वगैरह भेज सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप वेबसाइट वगैरह बनवा सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने अगर आपने ये बनाए हुए हैं तो इसको आप इस टाइप से मैनेज भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, खुदा हाफिज़।